ये हमने मांग की है कि वो अजमेर दरगाह दरगाह नहीं भगवान शिव का मंदिर है। लास्ट टाइम जब फाइलिंग की थी तो गलत कोर्ट में मामला चला गया, जिसके कारण इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। ये ट्रांसफर पिटीशन हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में फाइल की थी, कल फाइल की थी, आज मामले की सुनवाई थी। हम कोर्ट में गए, कोर्ट स्टाफ ने हमें बताया कि जज साहब छुट्टी पे हैं, इसलिए मैटर को एडजर्न कर दिया गया 10 अक्टूबर के लिए। किस तरह का मामला था और किस तरह की अपील करी? जो हमने पिटीशन फाइल की है भगवान संकट मोचन महादेव का मंदिर डिक्लेयर करने के लिए अजमेर दरगाह को, उस सीनियर जज सिविल डिवीजन की कोर्ट में हमने फाइल की थी। उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं था मैटर सुनने का, एंड इसलिए हमने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट उस कोर्ट की अपीलेट कोर्ट है, इसलिए हमने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया कि जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है ये मैटर वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए हमने कल पिटीशन फाइल की थी, आज सुनवाई थी, जज साहब छुट्टी पे थे, 10 अक्टूबर की अगली तारीख है ट्रांसफर पिटीशन पे सुनवाई होनी है, एंड ये डिसाइड होगा कि किस कोर्ट में मामला सुना जाएगा। ऐसा है, हमने केस फाइल किया था अजमेर दरगाह के रिलेटेड, जिसमें कि हमने मांग की है कि वो अजमेर दरगाह दरगाह नहीं भगवान शिव का मंदिर है। लास्ट टाइम जब फाइलिंग की थी तो गलत कोर्ट में मामला चला गया, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज जिला न्यायालय के समक्ष हमने कल ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया था, जिस पे आज सुनवाई होनी थी। आज जब कोर्ट गए तो हमें मालूम पड़ा कि जज साहब आज छुट्टी पर हैं, तो जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली तारीख 10 अक्टूबर पड़ी है और हमें उम्मीद है 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, और सुनवाई में ये तय हो जाएगा कि इस मामले की सुनवाई, संकट मोचन महादेव मंदिर की सुनवाई जो है, कौन से जज साहब सुनेंगे, किस कोर्ट में सुनवाई जाएगी, जिस कोर्ट में जिस जज को माननीय जिला न्यायालय तय कर देगा वो जज साहब इस मामले को सुनेंगे, और हमें उम्मीद है कि सुनवाई होगी, चालू होगी, और हमें न्याय मिलेगा। जल्दी उस दरगाह का सर्वे होगा, जिससे कि सारी दुनिया में उस दरगाह की सच्चाई सामने आएगी कि वो असल में दरगाह दरगाह नहीं थी, वो भगवान शिव का मंदिर है, जिसे तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर वहाँ दरगाह बना दी गई। हमें जल्दी न्याय मिलेगा।